उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर व भरतपुर संभाग में कई जिलों में मॉनसून अगले 3 से 4 दिन तक मेहरबान रहने वाला है। यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के बनने से भारी बारिश का अनुमान है। इस सिस्टम का असर शनिवार से नजर आने लगा है। भरतपुर व जयपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज रविवार यानी कि कल और आज के दिन यानी कि सोमवार को भी जयपुर व भरतपुर संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं बारिश से अति बारिश होने की संभावना है और साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 7 दिन के बाद में एक बार फिर से जयपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ, तो वहीं रविवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुई बारिश ने झमाझम तकरीबन 1 घंटे तक बरसी, तो वहीं शहरवासियों के चेहरे भी खिल उठे। घरों में चाय पकौड़ा बनना शुरू हो गया। लोग अब सुबह ही गाड़ियां उठाकर परिवार के साथ में जलमहल, मावठा सागर और आसपास के पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए निकल पड़े। तो वहीं आज सोमवार के दिन भी सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर बारिश आने की वजह से शहरवासियों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और दौसा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इसमें भरतपुर जिले के कामा तहसील में सर्वाधिक बारिश 90 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा कोटा, सवाई माधोपुर और साथ ही साथ दौसा में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 घंटे में जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, अरवल, करौली, चूरू, उदयपुर जिलों के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसके साथ ही हल्के से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 18 और 19 जुलाई को साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने का असर भी बताया था और जो असर राजस्थान में शुरू हो गया है। कल यानी कि रविवार को झमाझम बारिश हुई तो वहीं आज सोमवार को भी बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश आ रही है। इस दौरान कई जगहों पर भारी से अधिक बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। तो वहीं इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ जगहों पर भी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK News.